आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आज हम क्या बात करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2 SFM का। और इसमें हम बात करेंगे आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने कहाँ तक पहले कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे, दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम देयर आर टू पार्ट्स इन इट। पहला कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, पूरी इंट्रोडक्शन, फिर रोल उसका क्या, फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है। सो वी आर जस्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें से हम लोगों ने ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट और उसका सिग्निफिकेंस कर लिया है। अब हम बात करेंगे उसके टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, दो टाइप के ये रहा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें दो टाइप, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल में क्या आएगा और इनफॉर्मल में क्या आएगा, ये आपको हम बता दें। पहले इनफॉर्मल देखते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, पहले ये एक बात तो आपको समझनी ही होगी कि भैया ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि हमारे देश का जो फाइनेंस का सिस्टम है उसको आप कैसे डिवाइड करते हो, कैसे देखते हो। तो हमने बोला देखो भाई, दो टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है, दूसरा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है। वो ठीक है, चलिए। इनफॉर्मल में क्या आएगा, इनफॉर्मल में आएगा मनी लेंडर्स, लोकल बैंक्स, ट्रेडर्स, पॉन ब्रोकर्स। तो ये जो बोलते हैं ना महाजन लोग, जो पैसा देते हैं बेसिकली, दीज आर दोस टाइप ऑफ पर्सन्स जो कि आपको बैंकिंग सिस्टम के, जो बैंकिंग सिस्टम है या फिर अपना मार्केट है, वो वाले फाइनेंशियल सिस्टम नहीं। ये लोकल, मतलब कि जैसे कि मेरे को अगर पैसा चाहिए तो मैं क्या गया, मैं बैंक के पास नहीं गया, एक मनी लेंडर के पास गया कि भैया मेरे को पैसा की सख्त ज़रूरत है, बैंक में जाऊँगा तो मेरे को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी और फिर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा देयर इज नो गारंटी। सो व्हाट ही विल डू फॉर मी कि वो मुझे पैसा दे देगा, देन ही इज व्हाट, ही इज अ मनी लेंडर। उनका बिजनेस भी होता है, बहुत लोग का वो पैसा देते हैं बेसिकली, ठीक है, ब्याज पे बोलते हैं ना, इंटरेस्ट पे जो पैसा देते हैं, दोज आर द मनी लेंडर्स। लोकल बैंक जो हो गए, ट्रेडर्स जो हो गए, आप ट्रेडर्स से पैसा लेते हो। तो ये हो गया इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब पैसा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, फाइनेंस इज इक्वल टू फंड, मतलब फाइनेंस की बात होगी तो पैसे की बात तो होगी ही होगी। तो ये पैसे से ही रिलेटेड है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज टॉकिंग अबाउट द फंड, इज टॉकिंग अबाउट कि पैसा कहाँ मिलता है आपको और कहाँ आप उसको यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो हमारे इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मनी लेंडर्स के पास जाइए, लोकल बैंक्स, ट्रेडर्स, पॉन ब्रोकर्स। तो ये सारी चीज़ें आएंगी इनफॉर्मल सेक्टर में। मैं बस अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, देयर इज अ प्रॉपर पैराग्राफ अबाउट इट, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मल में, फॉर्मल में 5 टाइप्स है, सब में तो फाइनेंशियल है ही, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल रेगुलेटर, ठीक है। तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इज मोर लाइकली, मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अच्छा है बुरा है ये नहीं कहना चाहिए, बट इसमें बैंकिंग वैंकिंग सिस्टम सारा आ जाएगा, सिक्योरिटीज का आ जाएगा, जैसे शेयर मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भैया क्या दो टाइप का क्या है बॉस, पहला है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। अब उसमें भी है, फॉर्मल में 5 कैटेगरीज और इनफॉर्मल इज समथिंग लाइक 1, बट इट इंक्लूड्स अ लॉट। आइए देखते हैं एक एक करके।
तो ये रहा आपका पहला इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड दैट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मनी लेंडर्स, एसोसिएशन, फंड्स, क्लब्स, कमिटीज। These people have a system and they have their own rules. Oho, किसी से regulate नहीं होते हैं ये। इनके पास क्या है? Own rules and regulations. Okay, on how they should function in their day-to-day activities. वो डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे फंक्शन करेंगे उसके लिए अपने पास इनका खुद का रहता है रूल्स और रेगुलेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम रिस्पॉन्ड क्विकली टू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। हाँ, बहुत ही ये रिस्पॉन्ड इसका क्या होता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है। क्विकली रिस्पॉन्स का मतलब अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए तुरंत मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। बोला ना, मैं अगर जा रहा हूँ पैसा लेने तो मुझे तुरंत पैसा मिल जाएगा अगर मैं मनी लेंडर के पास जाऊंगा इन स्पाइट ऑफ बैंक के पास, इजंट इट। मनी लेंडर बोलेगा अच्छा ठीक है भाई पैसा दे देता हूँ, तेरा क्रेडिट अच्छा है या तेरे घर का बैकग्राउंड अच्छा है, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। या फिर बोलेगा तुम सोना गिरवी रख दो या फिर कोई चीज़ गिरवी रख दो फॉर अ टाइम बिंग और पैसा जैसे ही तुम्हारे पास आएगा तो तुम दे देना। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा, आपको पैसा चाहिए तुरंत तो तुरंत मिल जाएगा। देर इज नो पेपर वर्क ऑफ फॉर्मेलिटीज एज इट इज इन द फॉर्मल सिस्टम। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड अलाउड लो इनकम पीपल एक्सेस टू सर्विसेज नॉट अवेलेबल टू देम थ्रू द इनफॉर्मल चैनल। जिसके पास बैंक वाले जिसको नहीं पूछते हैं उनके लिए तो भैया बेस्ट है। अब सपोज एक सब्जी वाले की दुकान है, हाउ ही विल बी एबल टू गो टू द बैंक एंड गेट मनी फ्रॉम देयर, वो नहीं ले सकता। तो व्हाट ही विल डू, जो वहाँ का लोकली महाजन बोलते हैं या फिर जो पैसा देने वाले लोग होते हैं उनके पास जाएगा, बोलेगा भैया देखो मेरे पास अपना बिजनेस का सेटअप है, एक काम कर दो, मेरे को 10-20 हज़ार रुपया की ज़रूरत होगी, कम से कम 20 हज़ार तो लगेगा ही उसको, और आप मेरे को क्या करो कि रोज का एक ईएमआई सिस्टम दे दो, मतलब रोज आओ आप पैसा लेके चले जाओ। तो दिस ऑल आर फॉर द लो इनकम पीपल जो इनफॉर्मल सिस्टम से लाभ लेते हैं। अनदर एडवांटेज इज दैट इन इनफॉर्मल सिस्टम लोन्स वर गिवन क्विकली टू द लेंडर, या बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, अभी चाहिए आज के आज मिल जाएगा। ऑल्सो इनफॉर्मल मार्केट ऑल दो ज़्यादा नहीं मिलेगा, फॉर्मल में यू विल हैव अ चांस टू गेट द मोर मनी, बट यहाँ पे लो इनकम वालों को ज़्यादा चाहिए भी नहीं। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन नहीं है कि भैया इतना ही परसेंट इंटरेस्ट लोगे। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर सपोज करो एक आदमी 10,000 देता है, बैंक में रेट है उसका 7-8-10%, लेकिन जो आदमी महाजन है जिससे आप लोकली पैसा लेते हो मे बी चार्ज करे 15-20%, आप उसमें रोक नहीं सकते और आप कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन, इजंट इट। दे डू नॉट इंकर लीगल एक्सपेंसेस, उनको कोई लीगल एक्सपेंस इंकर करने की जरूरत नहीं है। एंड देयर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग मतलब पैसा देने का खर्चा नहीं होता। एंड डिपॉजिट टेकिंग टेंड्स टू बी लोअर देन दैट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, उनका पैसा लेने और देने का खर्चा बहुत ही लो रहता है इन कंपेयर टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। हाउएवर द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑलवेज प्रेफरेबल बिकॉज इट इज सिस्टमेटिक, ट्रांसपेरेंट एंड ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट। कहने का मतलब ये है कि हमेशा प्रेफरेबल रहना चाहिए बिकॉज ये क्या है, सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। बैंक में जाओ बैठाएगा 1-2 महीना 3 महीना फिर पैसा देगा। ट्रांसपेरेंट भी है, हाँ ट्रांसपेरेंट तो है, पैसा आपको मिलेगा इनकम टैक्स में, उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ऑफर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसमें हैं कि भाई इसको आप ना चूज करो, रियली चूज करो तो ही बेटर है। तो ये हो गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्या कहता है भैया, इनका खुद का रूल और रेगुलेशन है, ठीक है। क्विकली शॉर्ट टर्म लोन के लिए बहुत ही
अच्छा, इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, आपसे पैसा ज़्यादा भी लिया जा सकता है। और लास्टली बोल रहा है कि भैया ये सिस्टमेटिक ट्रांसपेरेंट नहीं है, सो आप प्रेफर करिए फॉर्मल में जाने के लिए। अब जब बोल रहे हैं फॉर्मल में जाने के लिए, तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं अपने आप को? चलिए, फॉर्मल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, सेग्रीगेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। पहला पार्ट आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, एक एक करके करेंगे। तो पहला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट सम आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय गोइंग थ्रू दिस डायग्राम। भैया यहां पे पैसा आता है और जाता है। देखो, यहां से पैसा आपके घर घर से, जैसे घर से पैसा गया, बिजनेस फर्म भी पैसा जमा किए, गवर्नमेंट फॉरेनर, फाइनेंशियल मार्केट में गया, तो फाइनेंशियल मार्केट ने पैसा बोरोअर्स को दे दिया, ये डिपॉजिटर्स थे, बोरोअर को दे दिया, या फिर स्पेंडर्स को, बिजनेस फर्म्स को, गवर्नमेंट्स को, हाउस होल्ड्स को, जिसको जरूरत है। सो इट इज ऑल अबाउट द सर्कल। आपने पैसा जमा किया सपोज करिए, लेकिन आपके ही कोई रिलेटिव बाद में आके ले भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल। यहाँ पे एक फाइनेंशियल मार्केट एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करेगा, इंटरमीडिएटरीज या इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करेगा। वही इसका कहने का मतलब, भैया हम बीच वाले हैं, मेरे यहाँ पैसा जमा करो, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अपना बिजनेस करना है। ये उनका बिजनेस है कि भाई डिपॉजिट लो और लोन दो, डिपॉजिट लो और लोन दो, वही पैसे को, ठीक है। चलिए, अब भैया एम वाई खान ने एक बार बोला था, एक बार नहीं, उनका स्टेटमेंट है, अभी कौन है आई डोंट नो एम वाई खान, बट अच्छे जाने माने होंगे तभी अपना इंस्टीट्यूट में इनका नाम आया है। ये बोलते हैं, फ्लो ऑफ फंड्स थ्रू द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सोर्सेज इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भैया बोले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब बस यही है कि फ्लो ऑफ द फंड्स थ्रू इंटरमीडिएटरी सोर्सेज, जैसे कि बैंक हो गया या फिर कैपिटल मार्केट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां से पैसा फ्लो होता है, इंटरमीडिएटरी से या फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फिर आगे चलिए हम लोग चलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायग्राम देखने के लिए बोला, अब बताएगा आपको भैया असली बात। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आई रिपीट व्हाट इट कैन बी क्लासिफाइड एज, कहता है कि एक बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो या फिर क्लासिफाइड कर सकते हो। बैंक्स आर द क्रिएटर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ द क्रेडिट। आई रिपीट व्हाट अ लाइन, इज अ क्रिएटर एंड प्रोवाइडर ऑफ द क्रेडिट। पैसा लेता है और देता भी है, मतलब आप डिपॉजिट भी करते हो वहां पे और आपको क्रेडिट भी देता है। व्हाइल नॉन बैंकिंग कंपनीज आर ओनली प्रोवाइडर ऑफ द क्रेडिट, ये बस और बस बस देते हैं, मतलब लोन देते हैं, ओके। तो बैंकिंग जो है, बैंक्स वो क्रिएटर और प्रोवाइडर दोनों हैं क्रेडिट के, ऑल दो इन नॉन बैंकिंग इज ओनली अ प्रोवाइडर ऑफ द क्रेडिट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी स्पेशलाइज्ड, इजंट इट? यस, इट कैन बी स्पेशलाइज्ड। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन चाहिए तो चले जाइए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपकी मदद करेगा, ये स्पेशलाइजेशन, इजंट इट? आपको एक स्पेशल पर्पस के लिए लोन चाहिए तो देयर इज अ बैंक फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TFCI, ये भी आपको टूरिज्म फाइनेंस करेगा, टूरिज्म से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, दे कैन ऑल्सो भी सेक्टर्स सच एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, आपने नाम तो सुना ही होगा।
ठीक है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स देता है और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम के लिए लोन देता है। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, दैट इज ओनली रिलेटेड टू द हाउसिंग लोन्स। फर्दर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, विच इज इन द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड। UTI गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड स्कीम है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड इट्स सब्सिडरीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके सब्सिडरीज जो है वो भी क्लासिफाइड होंगे एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देयर फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी कैटेगराइज इंटू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। पूरी कहानी का क्रक्स क्या है कि भैया आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक बैंकिंग और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है। आइए देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। एक लाइन इसमें ये भी है कि स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए भी बैंक्स होते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर दोज इंस्टीट्यूशन विच पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज पेमेंट सिस्टम। ओ हो, कंट्री के पेमेंट सिस्टम में पार्ट लेते हैं, दैट इज दे प्रोवाइड ट्रांजेक्शन सर्विसेज। आपको पैसे डिपॉजिट करना है तो भी वो ट्रांजेक्शन है, निकालना है तो भी ट्रांजेक्शन है। सो ये फैसिलिटी आपको कौन देगा, सिक्योरिटी भी कौन देगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट। पैसे को मोबिलाइज करने के लिए, बहुत ही, आपके घर में पैसा रखा हुआ है वो कहाँ लगेगा, बैंक में जमा कर दो वो लगा देगा। कहने का मतलब ये मोबिलाइज करेगा आपके पैसे को, एक जगह नहीं रहने देगा, उसको सही पर्पस के लिए यूटिलाइज करा देगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिट टू द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोन देता है, बॉस क्रेडिट टू द वेरियस सेक्टर ऑफ द कंपनी, आई एम सॉरी, वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जी हाँ, आपके हाउस होल्ड के लिए भी लोन देता है, आपके बिजनेस के लिए भी लोन देता है। फॉर एनी पर्पज यू कैन हैव द लोन, यू कैन हैव द क्रेडिट, इजंट इट, फ्रॉम द बैंक। ऑल दो आई नो यू शुड हैव द प्रॉपर्टी टू डू दैट, गारंटी भी लगेगी उसके लिए, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। साउंड बैंकिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट डिपॉजिट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम पीपल आर प्रोडक्टिवली यूटिलाइज। बोला अ साउंड बैंकिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट डिपॉजिट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम पीपल आर प्रोडक्टिवली यूटिलाइज। एक साउंड बैंकिंग सिस्टम क्या इंश्योर करता है कि भैया जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, हमारे बैंक में, उसको क्या मैं प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहा हूं या नहीं। बैंकिंग सेक्टर इज डोमिनेंट इन इंडिया एज इट अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द टोटल फाइनेंशियल एसेट इन द, भैया बैंकिंग सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है आपकी इकोनॉमी। और भैया अभी इंडिया में इतनी NPA हो गए हैं, अगर पैसा नहीं आएगा तो इंडियन इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड NPA इन इंडिया। NPA क्या होता है, NPA आपने पढ़ा होगा, NPA जो 90 डेज से ज्यादा ड्यू हो जाते हैं, दोज आर कॉल्ड NPAs। भैया मेरा पैसा, मतलब लोन का इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल देना था, मैंने 3 महीने तक नहीं दिया, देन माई बैंक विल ट्रांसफर माई अकाउंट और विल डिस्क्लोज माई अकाउंट एज NPA। तो उसमें नहीं जाते हैं। बोला कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, भैया आपका पैसा लेगा, सपोज करो आप हो, आपके घर में पैसा रखा हुआ है, अब इस पैसे को कैसे मोबिलाइज कराना है, तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिए, बैंक वाला किसी और को लोन चिपका दिया, तो ये मोबिलाइज हो गया, आपका फंड यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो हो गया बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो पार्ट हो गया, एक बैंकिंग है और एक नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में पैसा आपका डिपॉजिट करिए, बैंक में जाएगा, फिर वो इसको यूटिलाइज करेगा, तो मोबिलाइजेशन होगा। और इंडिया का मोर देन 50% इज डिपेंडेंट ऑन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है,
बैंक करता क्या है, बेसिकली आपके जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज करता है, आपके फंड्स को सही से यूटिलाइज कराता है, इकोनॉमी में लाता है और लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनको हेल्प मिलती है। अब बात करें अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंस्टीट्यूशन विच एक्ट एज अ मेयर प्रोवाइडर ऑफ द क्रेडिट। भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन मिलता है, डिपॉजिट नहीं होता, क्रिएटर नहीं है, दे आर द प्रोवाइडर। अब ये क्रिएटर, ये नॉन बैंकिंग कैसे काम करता है, ये बैंक में, जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, देन व्हाट द टर्म एक्सप्लेन हियर इज दैट क्रिएट्स अ क्रेडिट। मतलब आप डिपॉजिट करते हो तो आपको पैसा बैंक में जाता है, तो उनके लिए क्रेडिट क्रिएशन हो गया, ठीक है। दे डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, एग्जाम्पल LIC, UTI और IDBI। और ये बोले ये क्रिएट नहीं करते हैं बट प्रोवाइड करते हैं। अब LIC पैसा देता है, लोन देता है, आप यहां पे डिपॉजिट नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। आइए देखते हैं कि करके कंपैरिजन बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। मीनिंग बैंक इज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पीपल एंड इट रिक्वायर्स। बैंकिंग सर्विस में बहुत सारी सर्विसेज आ गई, वो बैंकिंग बैंक की जितनी सर्विसेज है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। बैंक लाइसेंस उसके लिए चाहिए आपको चलाने के लिए। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं बिना बैंकिंग लाइसेंस के। ट्रांजेक्शन सर्विसेज, बैंक प्रोवाइड्स ट्रांजेक्शन सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इश्यू ऑफ चेक बुक, ट्रेवलर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो भी बाकी आप ट्रांजेक्शन करते हो उनके लिए। नॉन बैंकिंग से डू नॉट प्रोवाइड एनी सच। भैया वहां पे क्या, बैंक में आपको DD मिलेगा ना, चेकबुक मिलेगा। मनी सप्लाई, बैंक डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल मनी सप्लाई। बैंक कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल मनी सप्लाई, बहुत ही बड़ा पार्ट बैंकों में जाता है आपके पैसे का। द मनी सप्लाई ऑफ द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज स्मॉल। यहाँ पे बहुत ही कम पैसा आपके मिलेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक क्रिएट क्रेडिट, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। ये क्रिएट नहीं करते, दे प्रोवाइड क्रेडिट। कॉम्प्लायंस क्या है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सम ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट लाइक कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है रूल्स, उसको आपको ध्यान देना पड़ता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए, आपको एक सेट ऑफ अमाउंट रखना पड़ता है। सपोज करो आप 10 रुपया डिपॉजिट करते हो, तो RBI बोलता है कि वो है उसमें से 4 रुपया रख लो आपके रिजर्व में, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपके पास इतना पैसा रहे कि आप सर्वाइव कर लो, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आप इतना भी लोन मत दे दो, समझ रहे हो, कि आपका जितनी लिमिट है उसको क्रॉस कर पाए। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दीज लीगल रिक्वायरमेंट। इनको ये सारे से कोई मतलब नहीं। डिमांड डिपॉजिट, दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर एक्सेप्टेड। मतलब डिमांड डिपॉजिट यहां पे एक्सेप्ट नहीं होता है बट यहां पे एक्सेप्ट होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कॉन्टेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। बोला कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक इंटीग्रल पार्ट है यहां पे। भैया पेमेंट करो, सेटलमेंट सिस्टम मतलब भैया पैसा वहां से निकालने का, तो यहाँ पे तो कुछ वैसा है नहीं। ये डायग्राम देखने से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में किसके पास कितना दम है। शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन द टोटल एसेट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किसके पास कितना है। ये बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स,
इंश्योरेंस कंपनी स्पेशलाइज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट एनबीएफसीज के पास नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यू सी बीज आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स और ये भी बैंक है। तो बेसिकली जो मेजर पार्ट है आपको 64% वो आपको बैंकिंग सिस्टम में ही देखने को मिलेगा। बोला था ना ऊपर यहाँ पे कि मोर देन व्हाट ये रहा, कहाँ गया भाई साहब। हाँ, एज इट अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द टोटल फाइनेंशियल सिस्टम, टोटल फाइनेंशियल सिस्टम का आधे से ज्यादा। फिर अगला टॉपिक आ जाता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट अभी करें या फिर अगले वीडियो में करें, मतलब वीडियोस ज्यादा लंबा ना बनाते हुए छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं एक एक टॉपिक का, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बस आप एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, व्हाट आई कैन एंड आई विल, यस। I'm not afraid to be alone.